What's up guys, this is Guru Maan. मैं इस वीडियो के अंदर अपना कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, और जिस हालात के अंदर दुनिया है आपको ऑलरेडी मालूम है, जिस हालात के अंदर यूएस है शायद वो भी आपको मालूम है। मैं क्विकली बताता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का जो आज का नंबर है, आज डेट है, मैं डबल चेक कर लूँ, डेट देख ही नहीं, घर बैठे आपको डेट का भी मालूम, डे का भी मालूम क्या चल रहा है। सो आज सैटरडे 7:45 हुए हैं शाम के यूएस के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर संडे सुबह है। सो संडे कौन सी डेट है, 29 मार्च। सो इंडिया के अंदर आज 29 मार्च है, सॉरी अब डेज ही भूल गए हैं। मैं 1 मार्च को इंडिया में था, मुंबई में, और 13 मार्च को वापस आया, मतलब 14 को यहां पहुंचा सुबह। 14 से लेकर 29 तक 15 दिन हो चुके हैं मुझे घर के अंदर। तो 15 दिन घर के अंदर जो क्वारंटीन प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा हूं, और वो कंप्लीट कर लिया है, और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, हम घर के अंदर ही है। आप भी 21 डे लॉकडाउन घर के अंदर हैं, जो भी 4-5 दिन हो चुके हैं, और अलग अलग कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। यूएस के अंदर लॉकडाउन नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है। और यूएस का जो आज का नंबर है वो लगभग 123,000, 1,23,000 लोग पॉजिटिव है यूएस के अंदर। और यूएस के अंदर जो एक स्टेट है न्यूयॉर्क, उसके अंदर लगभग 53,000 पॉजिटिव है, मतलब यूएस की, न्यूयॉर्क की स्टेट आधी 50% ज्यादा उसी के अंदर ही है। और जो कैलिफोर्निया है वो 5,300-5,400 के पास है। इस तरह से ही बाकी स्टेट्स जो है वो सभी का नंबर इन्फेक्टेड है। इंडिया इस समय मेरे ख्याल से 930 के पास है, आप चेक कर सकते हैं लाइव, मैंने लिंक डाला हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं लाइव पूरी दुनिया का। तो इंडिया भी इस समय लगभग 1,000 के पास पहुंचने वाला है, मेरे ख्याल से आज संडे को 1,000 क्रॉस कर जाएगा। और डेथ रेट इंडिया के अंदर 24 है, यूएस के अंदर डेथ रेट लगभग 2,000 क्रॉस कर चुकी है, 123 के अंदर ऊपर। सो यूएस की जो डेथ परसेंटेज है तो मेरे ख्याल से वो 1.5% 2% के पास है, 1.5% के पास। और जो इटली है वो नंबर 2 पर है, लगभग 92,000 जो लोग हैं पॉजिटिव है। डेथ रेट बहुत हाई है उनका, 11% से ज़्यादा, लगभग 10,000 लोगों की डेथ हुई है। सो जो डेथ रेट है वो इटली बहुत आगे है, यूएस डेथ रेट में पीछे है ऑफकोर्स, लेकिन ओवरऑल ना पॉजिटिव में ज़्यादा है। क्योंकि पॉजिटिव क्यों है, बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटी है यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा है, बाकी कंट्री सभी कंट्रीज से ज़्यादा जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो यूएस के अंदर ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी मालूम है। तो इसका मतलब है कि उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा है, टेस्टिंग जो है वो फ्रीक्वेंटली हुई जा रही है, जितनी टेस्टिंग होगी उतने रिजल्ट आएंगे ना। अब इंडिया की बात की है, टेस्टिंग हर जगह नहीं है। अगर मैं पंजाब से पूछूं आपके, पंजाब में कहाँ टेस्टिंग हो रही है, तो चंडीगढ़, तो हर कोई चंडीगढ़ तो नहीं जा रहा। सो दिस इज एन इशू कि टेस्ट की कॉस्ट भी है इंडिया के अंदर लगभग 4,500 रुपीज, तो हर कोई पे नहीं करता। तो यूएस के अंदर या बाकी यूरोपियन कंट्री में फ्री है, फ्री क्यों है, एक इंश्योरेंस है, बेसिकली इंश्योरेंस कवर कर रही है, और मेडिकल फैसिलिटी जैसे है यू नो दूसरी कंट्रीज का, तो उसमें आपको बेनिफिट भी है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो आपका वो भी आपका क्विक होता है। लेकिन बात यहां पर उस नंबर की है कि जो नंबर अमेरिका पहुंच चुका है और जो पहुंचने वाला है, अभी 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे आए को 2 हफ्ते हो चुके हैं, और जब मैं आया था उस समय यूएस का 1,500 नंबर था, आज 1,23,000 है, कल 1,35 हो जाएगा। जो स्पीड है यूएस की वो 12,000-13,000 पर डे की है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, टेस्टिंग फैसिलिटीज, और न्यूयॉर्क की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बाकी स्टेट्स काफ़ी अलर्ट में हैं, और हमारे ट्रंप जो है उन्होंने अभी तक लॉकडाउन नहीं किया। एक प्लस इंडिया के अंदर और माइनस के अंदर, सबसे बड़ा प्लस इंडिया के अंदर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही टाइम के ऊपर इंडिया को लॉकडाउन किया है, शटडाउन किया है, बहुत अच्छी बात की है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे इंडियन लोग लापरवाह है। आपने देखा होगा डंडे चल रहे हैं, लाठियां बरस रही हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि कितना घातक है ये। अगर अमेरिका, इटली, बाकी यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज का नंबर बढ़ सकता है, तो इमेजिन अगर इंडिया का नंबर बढ़ा तो कितना डिजास्टर हो सकता है। उसको टालने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बहुत टाइम पर लिया गया है। हो सकता है एक हफ्ता पहले लेते तो और नंबर कम हो, लेकिन अगेन 1,000 से पहले नंबर पर ये स्टेप लिया गया है, और अभी तक यूएस ने स्टेप नहीं लिया। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने स्टेप सही लिया है, लेकिन लोग लापरवाह है, आपको मालूम है।
और यूएस के अंदर लोग जो है वो इतने लापरवाह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लापरवाह है, अदर वे अराउंड। तो मैं जब से आया हूँ 15 दिन मुझे घर पर हो चुके हैं, मतलब है कि मैंने घर का डोर खोलकर बाहर ही नहीं गया। मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं घर के अंदर, वो वैसे खड़ी है। और मेरे ख्याल से जब इंडिया गया था 15 दिन पहले स्टार्ट ही नहीं की, दो गाड़ी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की पहले, और जब से आया हूँ तब से नहीं हुई, एक महीना हो चुका है। तो जो मेरी दो एक गाड़ी है वो गैराज में खड़ी, वो तो बैटरी डाउन है उसकी, एक की डेड है बैटरी और एक की बैटरी चल रही है, दोनों की चल रही है बाकी। इट्स फनी। सो वो कारों की बात छोड़ें, अब मैं देखिए ये इसमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोरोना वायरस का कोई सोल्यूशन नहीं है इस समय, कोई वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं बनी। इसका बचाव मालूम क्या है? स्टे होम, स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स इट। और जब ये मुसीबत टल जाएगी देन यू कैन गो आउट एंड वर्क। अब कब टलेगी? सिंपल, यूएस का 2 हफ्ते हो चुके हैं, तीसरे हफ्ते में एंटर कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द एनालिटिकल, बेस्ड ऑन जो अभी तक गवर्नर ने बोला है, जो अभी तक गवर्नमेंट बोल रही है, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं यूएस के अंदर, बेस्ड ऑन द न्यूज आई एम गोइंग थ्रू, CNN, Fox News, ABC, जितने भी लोकल चैनल्स है, उन्होंने बोला हुआ है कि जो यूएस का मैक्सिमम पीक हिट करेगा वो आज से 6 से 7 हफ्ते में करेगा, मतलब ये 1.5 महीना। आप देख लो कि अप्रैल में, एंड ऑफ द मे में यूएस पीक हिट करेगा। पीक का मतलब है कि जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, अभी वो जो बार है उसकी बहुत ऊपर जाएगी, कितने नंबर तो जाएगी आई हैव नो आइडिया, हो सकता है 500,000, हो सकता है 1 मिलियन, 5,00,000, 10,000 लोग के पास इन्फेक्ट हो, आई हैव नो आइडिया। स्पीड बहुत तेज है, तो ऐसा लगता है कि अगले महीने ही 5,00,000 से ऊपर निकल जाएगी, स्पीड बहुत तेज है। तो जब एक पीक पर जाएगी, जैसे चाइना पीक पर था, पीक के बाद वहां पर केस नए आने बंद हो जाएंगे। अभी नए केस जब तक आते जाएंगे तब तक नंबर बढ़ता जाएगा, और एक समय होगा जब नए केस दिन के अंदर कम हो जाएंगे ऑन डेली बेसिस कंपेयर टू प्रीवियस डे, और उसके बाद क्या होगा, वो पीक से नीचे आना शुरू हो, दैट्स कॉल्ड रिकवरी। जो लोग हॉस्पिटलाइज है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो धीरे धीरे रिकवर होने शुरू होंगे और धीरे धीरे वो नंबर नीचे आना शुरू होगा। जैसे स्लोप ऊपर गई है वैसे स्लोप नीचे आएगी। रिकवरी को भी आगे 6 से 8 हफ्ते लगने का चांस है, मतलब 2 महीने रिकवरी को लगेंगे एटलीस्ट। तो अगर मई जून में हिट करता है तो जुलाई अगस्त में यूएस रिकवर करेगा, मेरी बात समझे आप? तो उसके बाद 100% रिकवरी नहीं है, अभी 100% रिकवरी में तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन जो आप बोलो कि 80% भी रिकवरी कर पाए, तो ये अगर सिस्टम यूएस का है, यही सिस्टम इटली का है, अब यही यूके, जर्मनी और बाकी टॉप कंट्रीज है सारी है, चाहे छोटी कंट्री है बड़ी कंट्री है। इंडिया भी धीरे धीरे अभी नीचे से चल रहा है, क्या इंडिया यहीं पर नंबर खत्म होगा, ये कुछ कह पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कह पाना। बहुत स्टेट्स ने कंट्रोल किया हुआ है, बहुत स्टेट्स के अंदर अब भी लोग नहीं ध्यान दे रहे। तो ये इसका यही है कि इसका सोल्यूशन यही है कि कॉन्टैक्ट ना करें, दूर रहें, ग्रुप में ना बैठें, घर में रहें, स्टे विद योर फैमिली, डोंट इन्फेक्ट एनीवन। हमारे घर इंडिया में वैसे भी लोग बीमार बहुत होते हैं, तो अगर बीमार हैं तो घर में ही रहें। तो अगर इंडिया मई जून में पीक पर जाता है और इंडिया भी सितंबर में रिकवर करेगा, बहुत लेट है। तो ये इस पर मैं अभी आई डोंट वांट टू गो डू दीज एनालिटिकल्स। अभी जो स्पीड है अगर उसको आप मैथ करके देखेंगे, जो लोग पीपल ऑलरेडी डूइंग एनालिटिकल, तो इट्स वेरी बैड। तो आई थिंक इंडिया में जो मोदी ने लॉकडाउन किया है तो उसका आई होप वो नंबर वो बढ़े ना, उसकी स्पीड ना बढ़े और धीरे धीरे कंट्रोल हो। लेकिन 21 दिन शटडाउन है तो हो सकता है 1 महीना शटडाउन हो सकता है 2 महीने हो। ये नंबर अभी गवर्नमेंट को खुद नहीं मालूम, ना आपको मालूम ना मुझे मालूम, गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम। गवर्नमेंट तो टेस्ट ट्रायल में चल रही है और टेस्ट ट्रायल ही करते रहेंगे, वही अभी यूएस भी टेस्टिंग ट्रायल में है, बाकी जो लैब्स है चाहे यूएस की है चाहे बाकी कंट्रीज की है, वो वैक्सीन बना रही है, मतलब इंजेक्शन बना रही है, ड्रग बना रही है जो शायद प्रिवेंट कर पाए, अभी चल रहा है। और वो भी टाइम को महीनों लगते हैं पास करने में, टेस्ट सक्सेसफुल होने में, उसके बाद मास तक पहुंचने में। सो क्रिटिकल सिचुएशन। अब 14 दिन के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सोने का रूटीन तो सेम ही है, बाकी मूवीज देख ली, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, यू नो YouTube बहुत ही कम देख रहा हूँ मैं, सारी ज़िंदगी तो YouTube पर निकल गई मेरी, तो आई डोंट थिंक मैं स्पेंड टाइम ऑन YouTube, तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल दें। तीसरी से मेरी बात हो रही थी, उनको कंटेंट देना है मैंने इन टर्म ऑफ चैलेंज सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ। घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, चलो एक लिए चैलेंज खेलते हैं घर के अंदर, तो मेरी चैलेंज सीरीज आपके लिए अभी 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज सीरीज है, हट के है थोड़ी,
उसके अंदर प्राइस भी है। तो सप्लीमेंट नहीं है बेसिकली, सप्लीमेंट क्या है, डिलीवरी तो बंद है, यू नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं वीडियो में बताऊंगा कि मैं एक्चुअली घर के अंदर क्या डाइट ले रहा हूँ। देखिए डाइट बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले रहा हूँ मैं, मेरी ट्रेनिंग है 80% कर रहा हूँ। लकली मेरे घर के अंदर जिम है तो मैं सारे इक्विपमेंट्स हैं तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर भी उतना मज़ा नहीं आता आपको ऑफ कोर्स, बिकॉज आई नीड टू गो आउट एंड यू नो गो आउट यू नो ट्रेन अ बिग जिम, बिग जिम तो वहाँ अपना मज़ा होता है, घर के अंदर आप कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड टाइम पास वर्कआउट यू नो। लाइक मेरी आधी ज़िंदगी तो मेरे ख्याल जिम में निकली हुई है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू यू नो डू दैट काइंड ऑफ वर्कआउट एट होम। आप बोल लो टाइम पास वर्कआउट 70%, लेकिन एक्टिव रहें ताकि अब जब जिम खुले, लॉकडाउन खुले, तो एटलीस्ट आप जाते ही आप अपना रूटीन करें, ये नहीं कि दोबारा मिक्स वर्कआउट करें, बॉडी सोर हो रही है यू नो एक्सेट्रा, जाकर अपना जो रूटीन है बस मंडे चेस्ट एंड ट्यूजडे बैक एंड शोल्डर्स एंड आर्म्स एंड लेग्स, जो भी रूटीन है आपका वो उसको फॉलो करें। सो एनीवेज मेरे 14 दिन के अंदर मैं ऑफकोर्स आई एम नॉट मिसिंग एनी मील्स, मेरी 5 मील्स है दिन के अंदर, वेरी गुड सॉलिड मील्स, और एक प्रोटीन शेक है जो पोस्ट वर्कआउट में मैं लेता हूँ, और दैट्स इट, सिंपल थिंग। वायरस आपके घर तो आएगा नहीं, किसी के घर नहीं आएगा, अगर आप बाहर जाएंगे तो लाएंगे, वैसे नहीं आएगा, तो इसीलिए स्टे होम। सभी आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आसपास लोगों को बताएं भी घर रहें, कुछ नहीं होता, दो दिन जिंदगी, दो हफ्ते या 2 महीने आपको घर रहना भी पड़े तो आपकी ही भलाई के लिए, कंट्री की भलाई के लिए। सो मालूम नहीं क्या बताऊं मैं आपको, ना वीडियो बनाता हूँ एक मेरे इम्यूनिटी के लिए मैं क्या क्या यूज़ किया कर रहा हूँ, क्या क्या आप कर सकते हैं जो घर के अंदर है। सो आई माइट बी मेकिंग अ वीडियो इन द किचन टू शोइंग यू इम्यूनिटी का क्या क्या फूड पड़ा हुआ है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। आई एम नॉट रियली एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट आई एम एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम, सो आप चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर काफ़ी कुछ डाल देते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। एंड जो नई टी सीरीज का जो मेरा चैनल है वहाँ पर मैं चैलेंज सीरीज करने वाला हूँ और इंटरेस्टिंग है काफ़ी, तो पार्टिसिपेट करना। अगर आप बालों की बात कर रहे हैं तो बाल कटवाएं कहाँ से, मैंने एक्चुअली हेयर कट करना था, तो इंडिया का प्रोजेक्ट था मेरा, तो मैंने सोचा कि 13 तारीख को मेरा हेयर कट होना था, 14 को स्केड्यूल था, तो उससे एक दिन पहले तो मैं वापस आ गया। सो उससे 3 हफ्ते पहले मैंने हेयर कट नहीं करवाया, तो 3 हफ्ते प्लस 2 हफ्ते तो 5 हफ्ते हो चुके हैं, तो विल सी। मैं देख रहा था कि विराट कोहली का हेयर कट उसकी वाइफ कर रही थी अनुष्का, तो लगता है वो मुझे फार्मूला मुझे भी लगाना पड़ेगा, वाइफ को बोलना पड़ेगा भी कुछ कट करो बालों को, क्योंकि अभी यूएस का तो 2-3 महीने घर में रहने का सिस्टम है, तो यू नो दैट। एनीवेज चलिए टेक केयर गाइस, नीचे लिंक डाला हुआ मैंने लाइव, आप चेक कर सकते हैं क्या अपडेट है इस समय ऑल अराउंड द वर्ल्ड। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ईट ऑन रेगुलर बेसिस, ज़्यादा कैलोरीज ना खाएं, अगर बहुत मोटे हैं तो ज़्यादा ना खाएं, इट्स अ गुड टाइम टू लूज वेट। टेक केयर गाइस, बाय।